वेलकम टू इंडिया स्टडी 321। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी एमबीआई रिक्वायरमेंट 2020 के बारे में। ठीक है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में जो वैकेंसी आई हुई है एमबीआई की, ठीक है, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एमबीआई, उसकी जो वैकेंसी आई है तो इसके बारे में इस वीडियो में फुल डिस्कशन करने वाले। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम इसके बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे, ठीक है, लास्ट डेट अप्लाई क्वालिफिकेशन, ठीक है, जो भी है सब फुल डिटेल में बात करेंगे। चलते हैं दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ठीक है। दोस्तों इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, जहाँ से आप इसे सीधा डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, फर्स्ट में देखिए बिहार लोक सेवा आयोग, ठीक है, 15 जवाहरलाल नेहरू मार्ग बेली रोड पटना, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों अगर टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट 90 है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों मैं डिटेल में आप लोगों को सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि जो भी मेन मेन पॉइंट है यहाँ पे मैं सिर्फ वही बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल पोस्ट 90 है, ठीक है, अभी इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, टोटल पोस्ट 90 है, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। अभी यहाँ पे देख लीजिएगा किस, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है और फीमेल कैंडिडेट के लिए कितना रिजर्व है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अनारक्षित वर्ग, ठीक है, यानी जनरल वालों के लिए 26 पोस्ट है जिसमें से 9 फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड आर्थिक रूप से कमजोर, ठीक है, यानी ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे 6 पोस्ट है जिनमें से 2 फीमेल कैंडिडेट के लिए। अनुसूचित जाति यानी एससी, जिसके लिए यहाँ पे 20 पोस्ट है, ठीक है, और यहाँ पे जिसमें से 4 पोस्ट है फीमेल कैंडिडेट के लिए। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, जिनका 2 पोस्ट है, ठीक है, टोटल पोस्ट 2 है और यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई पोस्ट नहीं है, ठीक है, 0। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी, ठीक है, ईबीसी, तो ईबीसी का यहाँ पे देखिए 22 पोस्ट है, 5 फीमेल कैंडिडेट के लिए है। पिछड़ा वर्ग ओबीसी 10 पोस्ट है टोटल, यहाँ पर 2 फीमेल के लिए रिजर्व है, ठीक है। टोटल पोस्ट आप देख सकते हैं 90 है जिनमें से 22 पोस्ट जो है यहाँ पे वो फीमेल के लिए रिजर्व है, ठीक है, 35% आरक्षण का हिसाब से, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे चलिए आगे हम देख लेते हैं यहाँ पे वेतन। तो यहाँ पे जो है आपका जो सैलरी वो लेवल 6 के हिसाब से यहाँ पे दी जाएगा। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे हम देख लेते हैं आगे, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 3rd नंबर में इसमें देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास हो, ठीक है, 10वीं पास आपको होना चाहिए और साथ ही क्या होना चाहिए देखिए, और फर्स्ट देखिए सेकेंड वाला जो है, फर्स्ट तो आपको 10वीं पास होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान द्वारा प्रदान किया गया ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा क्या होना चाहिए, ठीक है, यानी डिप्लोमा आप लोग को होना चाहिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, या अगर इसमें नहीं है तो देखिए किसमें होना चाहिए, यांत्रिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, 3 वर्ष का, ठीक है। और उसके साथ थर्ड जो रिक्वायरमेंट है इसका, वो थर्ड है यहाँ पे गियर वाले मोटरसाइकिल और हल्के मोटर यानों चलाने के लिए अधिकृत चालान अनुवैधिक यानी, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस का धारण, ठीक है, इसके लिए जो आपको 10वीं पास होना चाहिए, साथ ही साथ यहाँ पे डिप्लोमा भी होना चाहिए और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है, गियर और नन गियर कोई भी हो चलेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया इसका शैक्षणिक योग्यता यानी रिक्वायरमेंट जो है। अभी यहाँ पे एज की बात कर लेते हैं, तो एज जो है यहाँ पे आपका 18 से 37 वर्ष रहने वाला जनरल के लिए, ठीक है, और यहाँ पे एससी कैंडिडेट जो है उनके लिए 40 और एसटी कैंडिडेट के लिए 42 वर्ष यहाँ पे होगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं आगे जितने भी इंपॉर्टेंट बात है इस नोटिफिकेशन में, सब हम आपको बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे चयन प्रक्रिया जो होगा आपका लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर होगा, ठीक है, लिखित परीक्षा इसमें होगा जिसमें आपको सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा, ठीक है, और ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। परीक्षा की अवधि यहाँ पे 2 घंटा की होगी और यहाँ पे जो टोटल नंबर रहेंगे वो 100 नंबर रहेंगे, ठीक है, 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, 2 घंटे का टाइम आप लोग इसमें दिया जाएगा, ठीक है। दोस्तों चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। दोस्तों अगर यहाँ पे फिर देखिए लिखित परीक्षा जो होगा आपका वो 300 अंक का होगा इसमें, ठीक है, टोटल यहाँ पे देखिए, और उसके बाद चलिए आगे यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देखिए अभी हम एप्लीकेशन फी की बात करें तो एप्लीकेशन फी यहाँ पे देखिए जनरल के लिए 750 रुपये है, ठीक है, 750, और बिहार राज्य के जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है उनके लिए 200 रुपये है, ठीक है। अगर अदर स्टेट के कोई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं तो उनको 750 रुपये ही लगेगा, ठीक है, और बिहार के राज्य के अस्थायी निवासी, ठीक है, जो भी है आरक्षित या अनारक्षित वर्ग के महिला कैंडिडेट जो भी हो बिहार का, उनको 200 रुपये लगेंगे, ठीक है, और यहाँ पे जो अन्य उम्मीदवार है उनको 750 रुपया लगेगा। ईबीसी ओबीसी जो भी कैंडिडेट है ईडब्ल्यूएस उन सभी को यहाँ पे 750 रुपये लगेंगे एप्लीकेशन फी, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे यहाँ पे देखते, अभी यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट डेट है यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग क्लियर देखें, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की संबंधित तिथि एवं निर्देश, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की तिथि जो है, रजिस्ट्रेशन आपसे कब से कब तक करा सकते हैं, तो 11/5/2020 से लेकर 26/5/2020 तक, ठीक है, यानी 11 मई से लेकर 26 मई तक इसका रजिस्ट्रेशन आप लोग करा सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से भुगतान करने की अंतिम तिथि, ठीक है, इसके लिए जो ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा वो 1/6/2020 तक 1 जून तक कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो है ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वो 9 जून 2020 तक है, ठीक है, 9/6/2020 तक है। और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों जो आपको जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे वो सबको एक कॉपी करा के यहाँ पे, ठीक है, भेजना है इस साइट के ऊपर, ठीक है, इनके कार्यालय में यहाँ पे भेजना है, आयोग कार्यालय में स्पीड पोस्ट करना है आप लोगों को, ठीक है, या जो भी जैसे भी भेजे, नॉर्मल पोस्ट या स्पीड पोस्ट भी आप इसे भेज सकते हैं, जो कि कब तक यहाँ पे पहुंचना चाहिए, तो 29/6/2020 के 5 बजे तक यहाँ पे पहुंच जाना चाहिए आयोग के इस पे, ठीक है। जो भी आप जो यहाँ पे जो एप्लीकेशन भरेंगे, ठीक है, उसका भी प्रिंट आउट निकालेंगे, वो भी आपको साथ में भेजना है, और साथ ही साथ इसमें डॉक्यूमेंट्स भी भेजना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं वो भी मैं आपको इसमें बता दूंगा आगे, ठीक है, तो आप वीडियो को देखते रहिए पूरा अंत तक, ठीक है। चलिए यहाँ पे नोटिफिकेशन मैंने छोटा कर दिया है, अभी यहाँ पे देखिए कौन कौन से प्रति आपको जो है यहाँ पे, ठीक है, भेजना है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है, मैट्रिक का प्रमाण पत्र, ठीक है, मैट्रिक का प्रमाण पत्र, उसके बाद है यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, ठीक है, अनुसूचित जनजाति कास्ट सर्टिफिकेट है, उसके बाद अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा बहुत सारे नोटिफिकेशन है, ठीक है, तो बहुत सारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है, आप ये पढ़ लीजिएगा, इसका नोटिफिकेशन का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वहां से, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों अगर जानकारी समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जितना जितना कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाद जय हिंद जय भारत।